पावन पवित्र चरण कमलों विच सुभाईमान सतसंगी प्यारियो अदब सत्कार नाल कृपा करो गुरु फतेह जी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह पटना साहिब की धरती के उत्ते 6 साल गुजारे ने। इत्थे अनेकां प्रेमियां नूं परमार्थ का राह विखाउंदिया होया धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह भी 1670 विच इत्थे आए ने। कुछ ही दिन रह के मेरे पातशाह वापस आनंदपुर साहब की धरती आ गए ने। इधरले पासियों कुछ समय बाद हजूर ने यह आनंदपुर साहब तो प्रेम पिछा सदा भेज दिता। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे आनंदपुर साहब आने लई अते समुचा परिवार सुनेहा गया है। पर इस स्नेहे नाल जिथे एक पासे खुशियां ने उसे दूजे पासे एक प्रेम ते वैराग की अवस्था भी पैदा हो गई। ख्याल करियो जे दास बहुत बारी बेनती करदा है जितना प्रेम होवे उतना विछोड़ा दुखदाई हुंदा है, जितना प्रेम घट होवे उतना विछोड़ा सहना सौखा है, जिहदा विछोड़ा सहारना औखा होवे इहदा मतलब उहदे नाल प्यार बहुत है। हुण इत्थे जदों पता लगा शिवनाथ वर्गे शिव दत्त वर्गे हिरदे तो कुरला उठे जेड़े महाराज दे रोज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे दीदार करके शांति लेंदे सन। फतेह चंद मैणी दी घरवाली वैराग थमिया नहीं जांदा। इत्थे दा ही एक करीम बख्श ते रहीम बख्श ने जिहदे बाग विच हजूर खेडिया करदे सन पटना साहिब दा ही जिक्र है। उहनां दे अंदर भी बड़ी प्रेम भावना है। इत्यादिक सारे प्रेमियां दे अंदर इस प्रेम भावना दे कारण इस सदे विचों पैदा हुए वजोग दे कारण बड़े औखिया घड़ियां गुजारियां ने। रब्बी बाणी विच अमृत बचन ने जिस प्यारे सिओ नेह तिस आगे मर चली है, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। भगत कबीर साहब आखते ने कबीर बिरह भयंगम मन बसै, मन तना मन कोए
राम बियोगी ना जिए, जिए ता बौरा होए। कहिंदे बिरहे दा भयंगम कहिंदे ने सप नूं, बिरहों दा सप मेरे मन विच वसदा है और घड़ी कु मगरों मैनूं डंग दिंदा है। कहन लगे दसो रब दे प्यार विच जीवन वाला पुरख किवें जीव सकदा है जे उहदे अंदर बिरहा दी भावना है। जितना चिर मिलाप नहीं हुंदा उहनूं किवें चैन आ सकदा है जे उह जीउंदा है। कहन लगे तां दीदार ने इहदा मतलब स्पष्ट है, जे दीदार नहीं ता उह बयोगी मौत दे बराबर अपने आप नूं समझदा है। ऐ अमृत बचन कई बारी पढ़दे हो, इक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। दुनिया ने सब तो भैड़ा समा उह गिणे है जिन्हों कलयुग का नाम दिता जाता है, पर कहिंदे निरंकार जीओ कलयुग दे विच भी मैनू कलयुग नहीं व्यापदा, मैनू कलयुग उदो व्यापदा दुनिया की भावे सतयुग होवे, मेरे लिए कलयुग उदो है जदो मेरे मालिक का विछोड़ा पैंदा है, जदो मेरे प्यारे का विछोड़ा पैंदा है। अमृत बाणी दा बचन है, विछोड़ा सुने दुख, विछोड़े दी गल सुनदिया ही दुख लगदा है, विछोड़ा सुने दुख, विण जिथे मरियोंद, बिना देखण तो ता मैं मरन दे बराबर है, बाज प्यारे अपने बिरही न तरियोंद, अपने प्यारे तो बिना कदे बिरहे वियोगी जीउ नहीं सकदा, उहदी जिंदगी नहीं हुंदी। मालिक दे चरणां विच रतियां रूहां ने बड़े ही प्रेम विच भिज के साहिबां नूं इत्थों विदायगी दित्ती है। सतगुरां ने भी फतेह चंद मैणी दी घरवाली नूं इक किरपान कटार अते इक पोशाक बख्शी। इतिहास आखदा फतेह चंद नूं हजूर ने धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी अमृतमयी बाणी दी उपावन पवित्र दात बख्शिश कीती, जिहड़ी लिखी होई धन गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी तो बिना। हले अपने दस्खत करके दिते, इत्थे ही शिव दत्त नूं भी बचन आख्या। कहन लगे भलिया जदों भी कदे रब नाल जुड़न की कोशिश करेगा तेरी भगती विचों तेन तृप्ति मिल जाएगी, भटकना खत्म हो जाएगी। भाई वीर सिंह होर बड़े प्यारे बचन लिखे ने, फतेह चंद ने घर आके अपना घर ढा दिता, ते अपने प्यारे दी याद बना के उहदे विच नित्ता प्रति लंगर चला के गुरु दियां असीसां लैण लग पए। साहिब पटना साहिब की धरती तो तुरे ने, कुछ दूरी उत्ते अज भी वह पावन स्थान दसदा है, दानापुर है। इत्थे हांडी की संगत अज भी बहुत उच्चा नाम रखती है। गरीबनी जी माता इत्थे रहिंदी, उहदे मन विच इक भावना है किसे तरह गुरु साहिब जी दे इस प्यारे साहिबजादे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਦਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰੀਝਦਾ, ਇਹ ਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਤੇ ਰੀਝਦਾ, ਇਹ ਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਰੀਝਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰੀਝਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਾਹਿਬਾ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿੱਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ, ਚਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿੱਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਖਿਚੜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੰਸੀ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਇੱਥੋਂ ਰੋਪੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਡਾਕੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੈਠਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ।
गल ख्याल करियो जे कई बारी शब्द छोटे हुंदे ने भाव बहुता गहरा हुंदा है। साहबा ने गल ते इन्नी वेखणी सी पुत्रा किथे कुख लुत्ता है, तेरा मेरा संबंध किहो जिहा है, केवल शरीरक संबंध ही है अध्यात्मक संबंध है किहो जिहा संबंध है। तां उदों धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने आनंद साहिब दी पहली पौड़ी पढ़ के धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं सुनाई। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां, अरागर तन परिवार परियां शब्द गावने आईयां, शब्द उता गावो हरी केरा मन जिनी बसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। जदों शब्द पढ़े धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अगे होके गलवकड़ी चला लिया, कहन लगे पुत्रा गल यो वेखना चाहुंदा सी कि तेरा संबंध अते मेरा संबंध एक प्यो पुत्र वाला ही ना होवे, दुनिया नू गुजी नू पता लग जाए। अज भी मैं अपने इन्ने चिर बाद अपने पिता नू मिलन नहीं लगा, इन्ने चिर तो बाद भी मैं अज अपने गुरु नू मिलन लगा है। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। साहब इन्ने खुश होए उन्हें आख्या संसार नू पता लग जाए, मुड़ मनुखता नू पता लग जाए भई आ आनंदपुर साहब की धरती ओ है जिथे सिखा तेनू गुरु मिलिया करेगा, जिथों तेनू गुरु दे नाल पिता भी मिलिया करेगा। अज जदों अमृत छकाया जांदा है ते नाल अमृतधारी होण दे इक तां गुरु मिलदा है, याद रखियो जे दूजा इत्थों मापे मिलदे ने जिहड़े सच दे मापे ने, ओ मापे ने अज तों बाद तेरा पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज होवेगा, अज तों तेरी माता माता साहिब कौर होवेगी, जिन्हां नूं भरोसा है उन्हां दे सच्चे माता पिता उत्थों मिलदे ने। छोटी जी एक गल कहनी आ फिर अगे चलने आ। प्रिंसीपल हरभजन सिंह लमेरा समा सिख मिशनी कॉलेज च पढ़ाउंदे रहे ने, चंडीगढ़ दे वासी सन। उन्हां एक अहम घटना अपनी जिंदगी दी पंथ दी चौली पाई है, बड़े उच्चे जीवन वाले सन। जिंदगी भर लोड़ अनुसार तनखा रखी, बाकी विद्यार्थियों च वंड देंदे सन लोड़बंदा च, सादी जिंदगी गुजारी है। उन्हां दा बेटा है, निकली जी उम्र है, आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते ले गए अमृत छकाउण वास्ते। जदों अंदर बच्चा गया तो उहदी वारी आई, पंज सिंह साहिबान जी ने गुरु रूप च होके पुछिया बेटे तू अमृत छकण आया? कहन लगे हां। तेरे नाल कोई वड्डा बंदा? कहन लगे मेरे पिता जी बाहर ने, पर मैनूं शौक बहुत है मैं अमृत छकणा। सिंह साहिबाना एक बचन आखिया, कहन लगे अपने पिता नूं बुला के लेके आ। वो चले गए बाहर, पिता नूं बुलाया, हरभजन सिंह होरी आए ने
धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं मत्था टेक, पंजा अगे अदब नाल खलो, हाथ जोड़ बेनती कीती, हुक्म करो, दास हाजर है। उन्हें आखिया तुसी इस बच्चे की तुहाडा पुत्र है दी गरंटी लेंदे हो भी नहीं, अमृत की पालना तुसी करोगे। प्रिंसीपल साहब होर नेत्रां च पानी आ गया। एक बचन आखिया, बतौरे गुरु होने के नाते, सिंह साहबान होने के नाते, इस वेले दास तुहाडे सामने कलगीधर पिता की कचहरी विच खलोता होने करके एक बेनती करदा, अदब नाल मेरी कोई हुज्जत नहीं है। अज मेरे बच्चे ने इत्थे अमृत छकना है, ते अमृत छके उन्हें एक दात मिलनी है भी अज तो बाद तुहाडा पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह है, अज तो बाद तुहाडी मां माता साहब कौर है, सिंह साहबान जीओ, जे इस बच्चे दे अमृत की पालना की गरंटी लेनी है कोई, तो तुसी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो पुछियो, ओनू बेनती करे, ओ बच्चे का धर्म पाल दवे, एदा अमृत रख लवे। मेरे कोल तो शरीरक पालना भी नहीं हो सकती, मैं अमृत पालन जोगा कौन है? एते जीदा पुत्तर है, ओदे चरणा विच बेनती करो, ए अज मेरे नाल रिश्ता तोड़ के अपने पिता नाल रिश्ता जोड़न आया है। सानू लमेरा समा लंघ जांदा है, आनंदपुर साहिब दी धरती ते गेड़ा मार आउने है, पर लेकिन कदे कुछ सिखण दी कोशिश नहीं कीती। उत्थे अनेकां चीजां सिखा तेरी झोली विच उपदेश पैंदा है। मैं बेनती करदी हां, कुछ कु इशारे मात्र आपां अपनी गल वल तुरना है। आनंदपुर साहिब दी धरती इह दसदी है, इत्थे तेरे माता पिता ने, आनंदपुर साहिब दी धरती दसदी है, इत्थे तेरा जन्म स्थान है, आनंदपुर साहिब दी धरती दसदी है, इत्थों तैनू गुरु मिलदा है, गुरु दे नाल इवें जुड़िया जांदा है, उत्थों दी जुगत वर्त भावे किधरे जावे पर जुगत ओहियो वरतौनी पैंदी है जो आनंदपुर साहिब दी धरती ते वरती सी। थां बदल सकदी है पर जुगत ओही वरतनी है, उवें ही अमर छकाया जांदा है। इत्थों दी धरती ये गल दसदी भी इत्थों दी धरती नूं धर्म इन्ना प्यारा है। बाकी गल आपां अगे जाके करांगे। धर्म इन्ना प्यारा है, अपने दी तां गल छड़ीए, कोई दूजे धर्म दी भी आके इत्थे बेनती करे, ये स्थान दूजे दे धर्मां नूं भी उजड़न नहीं देंदा। गल लम्मी हो जाएगी, क्षमा करियो जी। साहब एक गल स्पष्ट कर दिती, कहन लगे तेरी मेरी सांझ केवल प्यो पुत्र वाली नहीं, तेरी मेरी सांझ अंदरों गुरु ते सिख वाली भी है, अंदरों भी भावना तेरी मेरी सांझ होवे। मेरे दाते ने कृपा कीती, इस स्थान का नाम बदल के आनंदपुर साहब रख दिता। माखोवाल तो बदलिया होया ना इस घटना संबंधित है, याद रखियो जी।
ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ, ਅਕਾਇਆ ਦਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਓ ਸੱਜਣਾ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਭਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਨੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜਿਸ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਘਰ ਰੱਖੇ ਤੈਸਾ ਤਿੰਨ ਨਾਉ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਤੈਰਾਕੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ, ਇਹ ਅੜੂ ਰਾਮ ਦੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ
ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਨੇਊ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਜਨੇਊ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਵਿੱਚ ਕੰਤਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਨੇਊ, ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਦਇਆ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ। ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੋਵਣ, ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੌਂਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ। ਚੌਂਕੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਚਲਾਈਏ ਤੇ 25 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਤੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਤੜਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ, ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ
चौकी ते बिठा के तू गल च पा देना अते कन विच इक सिखिया देना, सिखा कन चढ़ाइया कन विच इक सिखिया दे देना, केड़ी गुर ब्राह्मण थिया, अज तो बाद तेरा गुरु ब्राह्मण बन गया, तू गुरु वाला हो गया। पर हुंदा की है, ओ मूगा ओ चढ़ पिया वे तग्गा गया, ओ तेरे वाला जनेऊ तां भलिया इत्थे ही रह जांदा है। जीव रब दी कचहरी विच धर्म दी निशानी तो बिना हाजिर हुंदा है। तेरा जनेऊ बाजार दा सी, संसार दा सी, ते शरीर तक पाया सी, शरीर जेड़ा ओ इत्थे ही रह जांदा है। धर्म दी बात है, धर्म दी दुनिया तो ए उपदेश मिलदे ने, भलिया जो तन उपजिया संग ही सोपी संग ना होया। शरीर ने नाल नहीं जाना, शरीर दा पाया जिने ओ भी नाल नहीं जाना, आत्मा ने परमात्मा दे घर जाना, तू आत्मा दा जिने ओ दे। हां लख चोरियां लख जारियां, लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां, रात दिन सजी नाल तग कपाहो कतीए, बामण बटे आए को बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए होए पुराना सुटीए, पी फिर पाइए होर। ख्याल करियो पंक्ति वल, नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर। कश्मीरी पंडित धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दर ते एक पुकार कर रहे ने, साहिबा दो जनेऊआं दी चर्चा होई सी, तुसा आखिया सी तेरा जनेऊ बाजार दा ए टुटदा भी है, मैला भी हुंदा है, चढ़दा भी है, जेड़ा मेरा जनेऊ एक किरदार दा ए टुटदा भी नहीं ए मैला भी नहीं हुंदा, ए बाजारां विच भी नहीं विकदा, ते अज पातशाह मेरा जनेऊ टुटदा है, अज पातशाह मेरा जनेऊ ला रहा है कोई, कदे मैं तेनू जनेऊ पाउण आया सा, पर अज मैं तेरे कोल आया है, मैं तेनू की जनेऊ पाउणा सी, मेरे आला तां टुटदा पर तेरे आला टुटदा नहीं, मेरे गल चो जनेऊ पा दे। जिनू औरंगजेब ला ना सकदा होवे मेरे गल विचो जनेऊ पा दे। सतगुरां ने कृपा कीती, इत्थे इक नुक्ता होर समझण वाला है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह बारे आपां कहने हैं, सारे इतिहास विच इह गल विदित है, जदों उन्होंने आके देखिया ते साहिब ने पुछिया उदास लोग कौन ने, तो उन्हें आखिया भी इवें धर्म के चिन्ह बदले आए ने। साहिब आखिया, कहन लगे ठीक है पिता जी, फिर इन्हां दी खातर कुरबानी देवो। कल भी दास ने बेनती की सी, इतिहास दे कोल शरीरक क्रिया दे अक्षर हुंदे ने, उदों केड़ी सोच नूं लैके गल कीती गई, इतिहास कोल सोच नूं समझण जोगे अक्षर नहीं हुंदे। ध्यान दिओ जे किसी दे मन विच की विचार है, ए इतिहास दे कोल अक्षर नहीं हुंदे उहनां नूं पकड़ सकण। किसी ने शरीरक तौर ते की हरकत की है, इतिहास कोल केवल एहो हुंदा है।
पर गुरु गोबिंद सिंह ने यह मोहर तां लाई सी, पिता जी ये धार्मिक चिन्ह बड़े कीमती ने, अज धार्मिक चिन्हां दी खातर मैं अपने पिता नूं तोड़न लगा है, कल ऐसे ही आनंद दी पुरी तो मैं अपने सिख दे गल विच धार्मिक चिन्ह पाउणे ने, जे अज किसे दे धार्मिक चिन्हां नूं आपां ना बचा सके ता हो सकदा कल सिख दे मन विच भावना ना पैदा होवे मेरे धार्मिक चिन्ह कितने कु कीमती ने। सिखा चेता रखी जेड़ी तेरे गल विच कृपान है, जेड़े तेरे कोल पंज ककार ने धार्मिक चिन्ह ने, ओए भलिया पुरखा ए तेनू उस धरती तो मालिक ने बख्शे ने जिस धरती तो उन्हें किसी दूजे ने भी धार्मिक चिन्ह उजड़न नहीं सी दिता, और ओदी एडी वड्डी कीमत तारी सी, अपना पिता उठों भेजिया कुर्बानी देने वास्ते, नौ साल की उम्र विच आप अपने पिता का साया सिर तो चुकन लई तैयार हो गए, पर यह परवान ना किया भी तेरा जनेऊ उजड़ जाए। अज भी बचन पढ़ने हैं, तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, किनो बड़ो कलू मैं साका, तू कलयुग दे भयान विच बहुत वड्डा साका कर दिता, अपने धर्म लई शहादतां देण वाले आदि काल तो गल चली आ रही है, पर किसे ने धर्म लई शहादत देनी, अपनी जिंदगी दे सुखां नूं त्याग के किसे ने कर दी गल करनी, बड़ी औखी है। समा नेड़े हो गया, मैं एक उदाहरण देनी हले, तुलसीदास ने एक बचन लिखिया सी रामायण विच, ओ कहिंदे ने संत रिदा नवनीत समाना, नवनीत कहिंदे ने मक्खण नूं, गुरमुख दा हिरदा मक्खण वर्गा हुंदा है, कहियो कब ने पर कहिया ना जाना, कहिंदे भावे मैं इहदे नाल तरजीह दित्ती है पर दे नहीं सकिया, पूरी नहीं उतरदी मेरी तरजीह दित्ती हुई, मेरी ये मिसाल दित्ती हुई पूरी नहीं उतरदी, वो आपे ही मन दे रहे। कहने क्यों? कहने भावे संत दा हिरदा हुंदा तां मक्खण वर्गा, मक्खण नूं कोई सुभावक भी हाथ ला लवे वो तर भी अपनी छो छड जांदा है, छिंदापन छड जांदा है, मक्खण बड़ा कूड़ा हुंदा है, पर कहिंदे इक औगुण भी है मक्खण च, ओ किहड़ा? कहिंदे मक्खण विच औगुण है, जदों कदे इहनूं सेक ना लगे दुनिया भावे सारी सड़ जाए लेकिन इह पंगरदा नहीं है। इह तों उल्टा संत दा हिरदा, संत नूं अपने आप नूं सेक लगे ते कदे नहीं पंगरदा, पर जदों कदे दूजे दे घर नूं सेक लगे संत कोल सहारिया नहीं जांदा, उह गुरला उठदा। संत रिदा नवनीत समाना, कहियो कब ने पर कहिया ना जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, प्रताप द्रवे रित संत पुनीता, कहन लगे ओदा गिरदा इना कूड़ा हुंदा है। चेता रखियो जे जदों कदे गुरु नूं आप तती तवी ते बिठाया गुरु बिलकुल नहीं पंगरिया, दूजे वेखण वाले भावे पंगर गए ने पर अज जदों कदे दूजे ने घर नूं सेक लगिया ते उहनां दे देवी देवते नहीं पंगरे पर पंगर गया,
धन गुरु तेग बहादुर साहब का किरदा, दूजे ने सेक लगे गुरु का किरदा पंगरदा है, अपने सेक लगे अपना आप उसे तरह बरकरार है। आनंदपुर साहब की धरती दे उत्तों गुरु तेग बहादुर साहब जी धार्मिक चिन्ह की खातर शहादत देने तुरदे ने माता गुजरी जी अते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जिहड़े गोबिंद राय दे रूप विच ने, एक कुछ अगम्मी सवाल करदे ने। तुरदिया तुरदिया मेरे पातशाह उन्हां सवालां दा जवाब देंदे ने। ये विचार कल रोज अज दी समुची विचार दा भाव ये सी, बाकी सब थावां नूं याद रखण वाले आ, अपने जन्म स्थान नूं भी चेते रख, सब नूं चेते रखण वाले आ, अपने माता पिता नूं भी चेते रख, सब नूं चेते रखण वाले आ, अपने धार्मिक चिन्हां नूं भी चेते रखीए। गुरु कृपा करे साडे हिरदे च गुरु उपदेश वस जाए, जिस नाल साडा जीवन इह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, भुला ना चितारना प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।